क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, यहाँ पे एंगल बी पे 90 डिग्री बन रहा है, तो सबसे पहले जहाँ पे जो एंगल दिया ना वो बना लीजिए। तो यहाँ पे बी पे मैंने 90 डिग्री बना लिया। अब बचे अपने पास ए और सी बचे, तो ए और सी को आप कहीं पे भी अरेंज कर दीजिए, या तो चाहे आप सी को इधर कर दीजिए, ए को इधर कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इस टाइप से हो गया। अब आपको पहले इसके पहले पार्ट में दिया ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो ए बी मेरा 6 सेंटीमीटर है और बी सी मेरा 8 सेंटीमीटर है। अपन को ए सी फाइन करना है। 90 डिग्री के सामने वाली होती है हमेशा हाइपोटेनस। क्या होती है हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस क्या होती है लॉन्गेस्ट साइड, क्या होती है लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर करने वो क्या है लॉन्गेस्ट साइड है, वो क्या है लॉन्गेस्ट साइड है। तो ए सी क्या है लॉन्गेस्ट साइड है, ए सी क्या सबसे बड़ी साइड कौन सी, ए सी है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर कब मिलेगा मेरे को, जब मैं हाइपोटेनस का स्क्वायर कब मिलेगा मेरे को, जब मैं परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर को सम कर दूंगा, यानी कि मैं 6 का स्क्वायर करूंगा और 8 का स्क्वायर करूंगा, फिर दोनों को प्लस कर दूंगा, फिर दोनों को क्या करूंगा मैं प्लस कर दूंगा, उसके बाद मेरे को हाइपोटेनस मिल जाएगी। इस टाइप से, और जो रिलेशन है वो इस टाइप से मेरा। तो मेरे पास क्या दिया ए सी, ए सी की वैल्यू नहीं है अपन को पता, तो ए सी को ए सी लिखा रहने दीजिए। ए बी, ए बी कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर, और बी सी कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर, है ना, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो ए सी को ए सी लिखा रहने दीजिए, 6 का स्क्वायर 36 आएगा, 8 का स्क्वायर आएगा 64 आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या जाएगा ए सी, इन दोनों को सम करेंगे तो कितना जाएगा 100, कितना जाएगा 100 आ जाएगा, यानी कि एक नंबर है मेरा जिसका स्क्वायर करने पे क्या रहा है 100 आ रहा है। तो कौन सा नंबर है, वो कौन सा नंबर है, तो करके क्या करेंगे अपन, तो ए सी इज इक्वल टू रूट के अंदर 100, ए सी इज इक्वल टू रूट के अंदर 100, 100 का रूट निकाल लीजिए, तो 100 का रूट निकालते हैं, किसी भी डिवीजन मेथड से निकालिए, तो 1 1 0 0 1 और 2 2 0, वो कितना जाएगा 10, वो कितना जाएगा 10, तो यहाँ पे कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ए सी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। ये था पहला वाला क्वेश्चन। अब इसी का दूसरा वाला पार्ट में इसी में करवा देता हूँ आपको, है ना, ये ए वाला था, ये बी वाला। तो यहाँ पे बी दिया आपको ए सी 13, तो यहाँ पे बी, बी वाले पार्ट में ये कितना 13 सेंटीमीटर है। आपको बी सी कितना 5 सेंटीमीटर दिया, है ना, और ए बी आपको फाइंड करना है। ए बी आपको क्या करना है, 5 फाइंड करना है, जी ए बी आपको फाइंड करना है। सेम इक्वेशन, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर 13 है, 13 का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर कितना है, ए बी का स्क्वायर नहीं पता, तो ए बी के स्क्वायर को ए बी का स्क्वायर लिख दीजिए, या तो एक्स मान लीजिए, कोई वो नहीं है, जो आप चाहें वो लिख सकते हो। बी सी, तो बी सी कितना है, तो बी सी 5 है, तो 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा 169, और ए बी प्लस बी सी 2 आ जाएगा 25। अब 169 के पास 25 को सेपरेट कर देंगे अपन, है ना, लीनियर इक्वेशन आपने अपन ने पढ़ा ही था। तो ए बी का स्क्वायर, तो ये करने पे कितना आएगा 144 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो जो ए बी का जो स्क्वायर निकल के आएगा मेरा, वो कैसे निकलेंगे अपन, ए बी इक्वल टू रूट के अंदर 144, ए बी इक्वल टू रूट के अंदर 144। तो यहाँ पे देखिए 144 लॉन्ग डिवीजन से कर रहा हूँ मैं सॉल्व, तो 1 इधर पे 1, तो 1 को सेपरेट किया तो 0, 44 आया। 1 प्लस 1 2, 2 में मैं क्या ऐड करूँ, 2 में मैं क्या ज्वाइन करूँ, वो किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि 44 आ जाए, तो 2 से है, तो 2 इधर पे 2, तो कितना जाएगा 44, 12, यानी कि जो ए बी आएगा मेरा वो आएगा 12। इसका मतलब क्या है, 144 एक नंबर है, 144 एक नंबर का स्क्वायर है, वो है जो ए बी की साइड है, जो ए बी की साइड की लेंथ है। तो जब मैं लेंथ का स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास 144 मिल रहा है, है ना, मेरे पास क्या मिल रहा है 144 मिल रहा है। तो बस आपको सिंपली आप इसका रूट निकाल लीजिए। तो यहाँ पे ये फर्स्ट हो गया ए वाला, और ये दूसरा वाला हो गया, इन दोनों का अच्छे से नोट कर लीजिए।